हेलो एवरीवन, वेलकम टू सनशाइन हिंदी टैरो। आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे, पॉजिटिव होंगे, हैप्पी होंगे। आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू, उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा, आपके रिश्ते के लिए क्या होगा, हम यही देखेंगे। अगर क्लैरिटी के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहें तो ले सकते हैं डियर, उसके सारे डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किए हुए हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है, ठीक है, आप अगर आप कंफ्यूज हैं, अगर आपको कुछ सही नहीं लग रहा है तो आप किसी से पर्सनल रीडिंग ही लें। देखिए, जो हमारा इंट्यूशन होता है ना, उससे बढ़कर हमें कोई गाइड नहीं कर सकता। ओके, तो हमेशा अपना इंट्यूशन का सुने। सॉरी यार, हिल गया। हाँ, चलिए अब हम रीडिंग पर फोकस करते हैं। अपने पर्सन, यूनिवर्स, जिस ईश्वर को आप मानते हैं उन पर ध्यान दे डियर, उनसे कनेक्ट हों आप। अगर चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। ओके, हाँ, यह एक कलेक्टिव रीडिंग है तो ध्यान रखिए, जितना रीडिंग आपसे रेजोनेट होता है उतना आपको लेना है, जो नहीं होता है उसे इग्नोर करें डियर। अगर रीडिंग टोटली आपसे रेजोनेट नहीं होता तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं बनी है। ओके, माई गॉड, माई यूनिवर्स, माई एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन इस रिश्ते को लेकर क्या होगा। हम सबसे पहले आपके पर्सन के फीलिंग्स देखते हैं आपके लिए, आपके इस रिश्ते के लिए, ठीक है, कि क्या है उनके फीलिंग्स, क्या सोचते हैं वो। माई गॉड, माई यूनिवर्स, माई एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पर्सन उनके रिलेशनशिप के लिए क्या सोचते हैं। दो कार्ड्स आए हैं डियर, सॉरी, तीन। ओके, हम लेते हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरिस, लियो, सेजिटेरियस एंड जेमिनाई, द मजेशियन, जेमिनाई एनर्जी एंड वर्गो, क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ओके ओके, ये कार्ड्स पे उछल कर आया है किंग ऑफ कप्स। क्या बात है, बहुत ज़्यादा प्यार है, ठीक है, आप दोनों के बीच अनकंडीशनल। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, बट थर्ड पार्टी के वजह से दोनों में दूरियाँ आई है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में आया है थ्री ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद एरिस, लियो, सेजिटेरियस एंड जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। डियर, यह एक कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो ये सारे साइंस वालों के लिए है। ओके, कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, और कोई ये भी रीडिंग नहीं है कि कोई स्पेशली साइंस वालों के लिए भी नहीं है, ठीक है, ये ऑलमोस्ट सभी साइंस वालों के लिए रीडिंग है। तो चलिए हम चलते हैं रीडिंग पर फोकस करते हैं। ये सब दोनों के बीच अनकंडीशनल लव है, ठीक है, अनकंडीशनल लव है दोनों तरफ से है। आपको लगता है सिर्फ मैं ही करती हूँ, उनको लगता है सिर्फ मैं ही करता हूँ, नो, दोनों के बीच बराबर का प्यार है, ठीक है। बट वही है कि आपके पर्सन शो नहीं करते, आपके पर्सन के जो फीलिंग्स है आपके लिए, ठीक है, ये सिर्फ अपने दिल में रखते हैं। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अपने दिल में रखते हैं, ये पर्सन शो नहीं करते। आप भी इनको काफ़ी ज़्यादा लव करते हैं, इनका वेट करते हैं, मैं देख पा रही हूँ काफ़ी ज़्यादा। मुझे आप दोनों ही लॉयल दिखाई दे रहे हैं एक दूसरे के लिए, मैं उनके लिए नहीं बोल रही हूँ डियर, ठीक है, जो इन्होंने अपने थर्ड पार्टी किसी गर्ल या बॉय को लाया हो। मुझे यहाँ पर कई लोगों का, बहुत से थोड़े लोगों का, कई लोग वो होते हैं ना अनकंडीशनल लव करने वाले, मुझे यहाँ पर कई लोग दिखाई दे रहे हैं। यस, आप दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा प्यार है, अनकंडीशनल लव मुझे दिखाई दे रहा है फिलहाल। अगर आप दोनों में थर्ड पार्टी है, फैमिली है, कोई भी है, आई डोंट नो डियर, बट फिलहाल आपके पर्सन की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा सही दिखाई दे रहा है, वो आपसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा फीलिंग्स ये पर्सन रख रहे हैं। बट ये पर्सन को ऐसा है कि थर्ड पार्टी की वजह से इनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, ये अपना डिसीजन लेना चाहते हैं, अपना एक्शन, ये इनको समझ नहीं आ रहा है किस तरफ लिया जाए, इस तरफ लिया जाए, थर्ड पार्टी की तरफ या आपकी तरफ लिया जाए, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है आपके पर्सन को, क्योंकि इस पर ये जो सच्चाई है ना आपके पर्सन नहीं देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं। मैजिक एक्सपेक्ट करते हैं अपनी लाइफ में कि सब ठीक हो जाए, आप दोनों के रिलेशनशिप में सब ठीक हो जाए, ये चाहते हैं, आपकी तरफ एक्शन भी लेना चाहते हैं, बट ये पर्सन की एनर्जी वही है कि ये वेट कर रहे हैं, ठीक है। कई लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन की तरफ से बहुत ही जल्दी कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है, या तो ये पर्सन, आप दोनों को अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो ये पर्सन ही आपसे मिलने आ जाए, मुझे दिखाई दे रहा है कुछ मोमेंट्स इनके तरफ से दिखाई दे रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है डियर इनके तरफ से आपको कुछ मोमेंट्स देखने को मिल सकता है, एक्शन देखने को मिल सकता है। काफ़ी ज़्यादा पैशनेट फील करते हैं आपके लिए,
काफ़ी ज़्यादा लव फील करते हैं आपके लिए, पैशनेट फील करते हैं, अट्रैक्टेड भी काफ़ी ज़्यादा हैं आपसे, बहुत ही मिस करते हैं आपको, सेलिब्रेशन चाहते हैं, रिकन्सिलेशन चाहते हैं, डेफिनेटली चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं ये पर्सन, वर्क करना चाहते हैं, आप सब ठीक करना चाहते हैं, वापस से जो कुछ भी सही नहीं है उसको ठीक करना चाहते हैं, बट वही इनका एनर्जी है कि इनको समझ नहीं आ रहा है, ये खुद को फंसा हुआ पा रहे हैं, बॉन्डेज में पा रहे हैं, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, बस ये प्रे कर रहे हैं ईश्वर से कि सब ठीक हो जाए, मैजिक आए आप दोनों के रिलेशनशिप में और सब सही हो जाए, आपके पर्सन इस तरह से मुझे प्रे करते हुए दिखाई दे रहे हैं यूनिवर्स से। चलिए डियर, अब हम देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन। एक मिनट मैं ये सही कर देती हूँ ताकि आपको सारे कार्ड्स दिखें। यस, अब ठीक है, चलिए देखते हैं। माई गॉड, माई यूनिवर्स, माई एंजल्स, प्लीज़ मुझे गाइड करें। ओके, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, आएंगे ये पर्सन आपकी तरफ, ठीक है, आएंगे ये पर्सन, बट इनको कई लोगों के लिए लेट हो सकता है डियर, कई लोगों के लिए लेट हो सकता है और कई लोगों के लिए बहुत ही जल्दी आ सकते हैं, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून, यह समय का पहिया घूमने वाला है, अब किस्मत आप दोनों को एक साथ ज़रूर लाएगी, ठीक है, वो चांस देगी किस्मत आप दोनों को एक होने का, ठीक है। एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, इनके तरफ से न्यू बिगनिंग का ऑफर आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, ठीक है। ये पर्सन आपको प्रपोज ज़रूर करेंगे, फ्यूचर में प्रपोज करेंगे, न्यू बिगनिंग चाहेंगे आपके साथ, डेफिनेटली के चाहेंगे, बट मुझे दिखाई दे रहा है तब तक आप अपने लाइफ में आगे बढ़ चुके होंगे, या फिर आपकी एनर्जी भी इस समय का भी हो सकता है डियर कि अब ना आप इस पर्सन को अपने लाइफ में नहीं चाहते, अगर ये चाहते हैं तो सही से चाहते हैं, ठीक है। आप मुझे थोड़े से खफा खफा दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, आप थोड़े से क्या है, अब ये मत बोलना कि नहीं मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ किस टाइप का, हाँ मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, आप काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव दिखाई दे रहे हैं, आप ना काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन से नाराज़ हैं कहना चाहिए, आप आसानी से इनको माफ़ करते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। चलिए देखते हैं, बट ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, ठीक है, ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, ये आपको चेस करेंगे, ज़रूर करेंगे। टेन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कॉन्ग्रेचुलेशन, जब आएंगे तो आपको प्रॉपर कमिटमेंट देंगे, अपने अपना हस्बैंड अपनी वाइफ बनाना चाहेंगे ये पर्सन, मैरिज के लिए प्रपोज करेंगे, डेफिनेटली आप दोनों के बीच यहाँ पर कई लोगों के लिए क्या बोलते हैं, कास्ट, आई डोंट नो मैंने क्यों कहा, यस कास्ट डिफरेंस भी हो सकता है, बट यहाँ पर मुझे एज गैप भी दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच, हो सकता है कि इनका फैमिली थर्ड पार्टी हो, कास्ट रिलीजन थर्ड पार्टी हो, सोसाइटी थर्ड पार्टी हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है, आपके पर्सन का खुद का थॉट ही थर्ड पार्टी हो, क्योंकि ये निगेटिव माहौल में मुझे दिखाई दे रहे हैं, निगेटिव एटमोसफेयर में मुझे दिखाई दे रहे हैं, ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, इनका थिंकिंग मुझे आपके लिए सही दिखाई दे रहा है, काफ़ी लव फील कर रहे हैं आपके लिए, सब सही करना चाहते हैं बट डिलेस कर रहे हैं, ये पर्सन खुद को फंसा हुआ पा रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, कई लोगों के लिए एक्शन एनर्जी बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा और कई लोगों को ये पर्सन और वेट करा सकते हैं, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, डेफिनेटली इनके तरफ से कम्युनिकेशन आपको मिलेगा, बट वही है कि इनके तरफ से कम्युनिकेशन जब मिलेगा तो मुझे नहीं लगता कि आप सही से बात करने वाले हो इनसे, ठीक है, आप आसानी से इनको माफ नहीं करेंगे, कई लोगों को इनको आने में देरी हो सकता है, ठीक है, इनके तरफ एक्शन एनर्जी डियर, इनको मोमेंट्स लेने में लेट हो सकता है क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड्स आया है, पेज ऑफ कप्स, बट डेफिनेटली ये पर्सन अपना प्यार अपना लव आपको शो करेंगे। माई गॉड, माई यूनिवर्स, माई एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताएं, जो मेरे व्यूवर्स के पर्सन हैं उनका नेक्स्ट एक्शन इस रिश्ते को लेकर क्या होगा, प्लीज़ मुझे बताएं। अवेयरनेस, जागरूक हो रहे हैं ये पर्सन, अभी सोच रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा थिंकिंग किया जा रहा है, न्यू विजन, न्यू बिगनिंग डेफिनेटली, ठीक है, देखने को मिलेगा इनकी तरफ से एक्शन देखने को मिलेगा, ये आपकी तरफ आएंगे, जो इनमें पावर नहीं है इस वक्त वो आने वाला है, ठीक है। वी आर द वर्ल्ड, एक होने वाले हैं, किस्मत आप दोनों को मिलाने वाली है।
अंडरस्टैंडिंग। अभी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, ये ना काफ़ी ज़्यादा सोचने विचारने, ये ना उस टाइप के पर्सन है, पता है, कि काफ़ी ज़्यादा सोचेंगे विचारेंगे तब जाकर कुछ निर्णय लेंगे, तब जाकर कुछ एक्शन लेंगे। इस तरह की ये पर्सन है, काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। गाइडेंस, ये अपना दिल का सुनेंगे ये पर्सन, इनका दिल कह रहा है, पता है, अभी भी कह रहे हैं जा जा करके ना धक्का दिया जाता है इनको, पता है इनके दिल की तरफ से। बट ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ना एकदम ढीठ टाइप के हैं यार, यानी कि सॉरी बट इनका दिमाग कह रहा है, इनका दिमाग रोक रहा है, बट दिल इनको धक्का दे रहा है, जा 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 ऐसे करके। बट ये पर्सन ना इग्नोर कर रहे हैं अपने दिल की बातें इग्नोर कर रहे हैं ये पर्सन। बट आएंगे, अपना दिल का ही सुनेंगे ये पर्सन, अपना दिल का ही सुनेंगे ये पर्सन आएंगे। और डेरिनेश, क्या बात है, इस पर्सन का आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या होगा पता है, कि यही आपको ना मैरिज के लिए प्रपोज करना चाहेंगे पर्सन। अभी इस पर्सन का एनर्जी आपके लिए ये है कि आपको अपने अपनी वाइफ, अपने हस्बैंड की तरह देखते हैं। इनका एनर्जी यही होगा कि सामान्य लाइफ जिया जाए, यानी कि जैसे वो होते हैं ना सामान्य कपल, बस कितने अच्छे से लाइफ एंजॉय करते हैं, हस्बैंड वाइफ बच्चे इस टाइप का, वैसे आपके पर्सन का भी एनर्जी है। ज़्यादा इनकी ख्वाहिश नहीं है इस रिश्ते को लेकर, बस आप दोनों रहें, आपके बच्चे रहें, इनके फैमिली रहे, ऐसा ये चाहते हैं। एक्सिस्टेंस, आप ना इनके लाइफ में ऐसे हो कि आपका जगह कोई और नहीं ले सकता, कोई और नहीं ले ही नहीं सकता, ना ही इनके दिल में, ना ही इनके लाइफ में ऐसा है, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। रीबर्थ ज़रूर होगा, रीबर्थ ज़रूर होगा, चेंजेस आएगी आप दोनों के लाइफ में, किस्मत आप दोनों को एक करेगी ही। तो पॉजिटिव रहे डियर, ओके, पॉजिटिव रहें। तो यही थी आप लोगों के लिए रीडिंग, अगर पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। ओके, बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।